नागिन 3 की कहानी में आए दिन कोई ना कोई तूफान आता ही रहता है, जिसकी वजह से बेला की जिंदगी में परेशानियां कम होने की बजाय और बढ़ जाती हैं। शो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हुकुम और विशाखा की बेटी ने आतंक मचा रखा है। दरअसल तामसी के पास बुरी शक्तियों का साया है, जिसकी वजह से वो काफी खतरनाक हो चुकी है। अब पहले तो उसने अपने ही पिता हुकुम की जान ले ली, और उसके बाद जब बेला ने उसकी उन बुरी शक्तियों का खात्मा करने के लिए अघोरी बाबा का सहारा लिया, तो तामसी ने अघोरी बाबा को भी जान से मार दिया। और अब खबर मिली है कि तामसी का यही खूंखार रूप कहानी को नया मोड़ देगा। जानकारी ये मिली है कि तामसी की वजह से खतरे में पड़ जाएगी विशाखा और बेला की जान। जी हाँ, शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तामसी अपनी माँ विशाखा के साथ साथ बेला की जान की भी दुश्मन बनने वाली है। यानी अब आप ये मानिए कि विशाखा या बेला, इन दोनों में से कोई एक तामसी का अगला निशाना बनेगा। तो अब देखते हैं कि क्या वाकई इनमें से किसी की मौत हो जाएगी। चलिए जानते हैं इस ट्विस्ट की डिटेल। आगे शो में आप ये देखेंगे कि तामसी अब बड़ी हो रही है। हुकुम पहले से ही कह चुका है कि उसकी बेटी आम इंसान की तरह नहीं बल्कि वक्त से पहले बड़ी हो जाएगी, और अब वही हो रहा है। लेकिन अघोरी बाबा के मरने के बाद से अब तामसी को पूजा और हवन के जरिए इन शक्तियों से आजाद करने के लिए बेला बेचैन है। मेरी जानकारी के मुताबिक बेला तामसी को बुरी शक्तियों से आजाद करवा भी देगी। दरअसल बेला सबको ये बताती है कि अघोरी बाबा ने मरने से पहले उसे सारी विधि बताई थी कि किस तरह तामसी को आजाद करना है। अब बेला खुद तामसी को मंत्रोच्चारण कर बुरी शक्तियों से दूर करेगी। इसके बाद तामसी की काली शक्तियां खत्म ही हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि यहीं से कहानी में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट। खबर मिल रही है कि मामला यहीं खत्म नहीं होगा। इसके बाद तामसी को बढ़ते हुए दिखाया जाएगा, और फिर इसी बढ़ती उम्र में उसमें दोबारा काली शक्तियां वास करेंगी। माना जा रहा है कि बड़ी तामसी के रोल में एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी दिखेंगी। खबर मिली है कि इस बार वो विशाखा और बेला में से किसी एक की जान की दुश्मन बन जाएगी। तो अब देखते हैं कि तामसी, विशाखा और बेला, इन दोनों में से किसकी जान लेने पर आमादा होगी। वल कहानी में जो भी होगा, आपको मजा तो आने ही वाला है। तो अब अगला एपिसोड देखने के लिए आप कितने उत्सुक हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।